मधुसूदनगढ़ में खनिज विभाग की टीम ने अवैध परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की। दरअसल मधुसूदनगढ़ में खनिज विभाग द्वारा लगातार की जा रही अवैध परिवहन की कार्रवाई के चलते आज एक बार फिर खनिज विभाग अधिकारी सोनू श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ मिलकर अवैध परिवहन कर ले जा रहे ट्रक पर कार्रवाई की। साथ ही ट्रक को अवैध परिवहन की कार्रवाई कर खनिज विभाग अधिकारी ने ट्रक को जब्त भी किया, मधुसूदनगढ़ थाने में रखवा दिया और आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय को भेज दिया गया। मधुसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर सोनिशा की रिपोर्ट। जैसे हमको जब भी सूचना मिलती है कि अवैध परिवहन की, मतलब जब भी सूचना मिलती है तो जब भी हम यहाँ पे दबिश देते हैं कि जो भी हमको बिना रॉयल्टी और शासन के जो भी रॉयल्टी के चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको थाने में देकर सुपुर्दगी में दे देते हैं और निरंतर हमारे द्वारा मकसूदनगढ़ में कार्रवाई की जा रही है। ये डंपर को हमने आज पकड़ा है, इसके पास रॉयल्टी नहीं है और श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास में इसको अग्रिम कार्रवाई को भेजा जाएगा। वो डिसाइड करेंगे कि इस पर कितना अर्थदंड प्रस्तावित किया जाना है।